हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अभी तक हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 8 तक कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 करेंगे। इस क्वेश्चन में भी हमारी जो है एडजस्टमेंट एंट्रीज आएंगी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जहाँ पर मैं बताऊँगी, आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते जाना। अब अपनी अपनी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 रीड करो। यूज़ अकाउंटिंग इक्वेशन टू शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ मेसर्स रॉयल ट्रेडर्स। इसमें आपको को टोटल 6 इक्वेशंस दी हुई हैं। नंबर 1 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 120,000, परचेज गुड्स कैश 10,000, रेंट रिसीट 5,000, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज 7,000, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर 500। बिजनेस स्टार्टेड विद कैश रुपीज 1,20,000। आपका जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, बिजनेस में एक तो कैश आ जाएगा और दूसरा कैपिटल बढ़ जाएगी। तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स में एक तो कैश का कॉलम बन जाएगा। क्यों? क्योंकि हम बिजनेस में कैश लगा रहे हैं। और दूसरा क्या होगा, कैपिटल में जाकर भी प्लस हो जाएगा 1,20,000। जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसको हम कैपिटल बोलते हैं। सेकेंड इक्वेशन है गुड्स परचेज इन कैश 10,000। गुड्स परचेज, जब गुड्स परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसका जो हमारा लिंक होता है वो किससे होता है? स्टॉक से होता है। जब आएगा तो ऐड हो जाएगा, जब सेल करेंगे तो माइनस हो जाएगा। अब क्या हो रहा है, परचेज हो रहा है, तो हमारा एसेट साइड में स्टॉक का कॉलम बन जाएगा। अब कितने की गुड्स आ रही हैं इसमें? 10,000 रुपीस की। तो 10,000 हमारा क्या हो गया, स्टॉक आ गया। अब कैसे आया? कैश से। तो कैश क्या होगा बिजनेस में से? हम चला जाएगा, उसको आप क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। बस अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको यही चीज़ करनी है कि आपको जो चीज़ आ रही है उस कॉलम में ऐड करते जाओ और जो चीज़ आपकी कम हो रही है उसको माइनस करते जाओ। फर्स्ट टू इक्वेशन के बाद आप क्या करोगे, एक टोटल बनाओगे, उसको आप क्या बोलोगे? न्यू इक्वेशन। अब हमारा टोटल देखते हैं, कैश कितना रह गया? 1,10,000 और स्टॉक कितना है? 10,000। फर्स्ट इक्वेशन में स्टॉक का कुछ भी नहीं था तो यहाँ पे जीरो लगा दो। लाइबिलिटी अभी हमारी क्या चल रही है? जीरो चल रही है, तो जीरो। और कैपिटल हमारी इस इक्वेशन में कुछ नहीं है, बट टोटल कितना आ गया इसका? 1,20,000। इक्वेशन नंबर 3 क्या कह रही है? रेंट रिसीव्ड। रेंट हो, सैलरी हो, आपका कुछ भी ऐसा एक्सपेंसेस होता है या फिर इनकम, अगर आपको कुछ रिसीव हो रहा है तो वो आपके लिए इनकम बन जाती है। सेम अगर आप उसको पे कर रहे हो तो एक्सपेंसेस हो जाता है। अगर रिसीव हो रहा है तो किस में रिसीव कर रहे होगे आप रेंट? कैश में। तो हमारा कैश क्या हो गया? बढ़ गया। 5,000 रुपीज़ क्या हो जाएंगे कैश में? प्लस हो जाएंगे। अब इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट, लॉस, सबका लिंक किससे होता है? कैपिटल से। अगर इनकम हो रही है तो कैपिटल में जाके आप क्या कर दोगे? प्लस कर दोगे। और अगर एक्सपेंसेस होता है तो कैपिटल में जाके माइनस कर दोगे। अब रेंट क्या है हमारे लिए? इनकम है, तो इसलिए हमने कैपिटल में जाके प्लस कर दी। फिर से हमारी न्यू इक्वेशन कि हमारा टोटल क्या बन जाएगा, हमारा 1,10,000 पहले थे, 5 फिर आ गए, हमारा कितना हो गया? 1,15,000। स्टॉक में कुछ नहीं चेंज था तो 10,000। कैपिटल हमारी बढ़ गई, 120 पहले थी, 5,000 रुपये का हमें रेंट मिल गया, 1,25,000। नेक्स्ट इक्वेशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग 2,000। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? सैलरी के एक्सपेंसेस है। अब उसके साथ हमारा वर्ड मिल गया आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि आपका जो एक्सपेंसेस है वो ड्यू हो गया, मतलब पेमेंट करने की डेट आ गई है लेकिन आपने अभी उसको पेमेंट नहीं किया है। जब हमने पेमेंट नहीं करी है, पेमेंट करनी बाकी होती है, उसको आप कहते हो आउटस्टैंडिंग। और जो पेमेंट करना बाकी है वो हमारे लिए क्या होती है? हमेशा लाइबिलिटी होती है। इसलिए लाइबिलिटी में हमारा एक कॉलम बन जाएगा किसके नाम से? आउटस्टैंडिंग के नाम से। किसके नाम से बनेगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। पूरा लिखना है आपको अपनी अपनी नोटबुक्स में, मैंने तो यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने ओ लगा दिया। आपको पूरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का कॉलम बनाना है। कितना आउटस्टैंडिंग है? 2,000। तो अब इस कॉलम में हम क्या करेंगे? 2,000 प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसका पेंडिंग है, पेमेंट करना बाकी है। सब एक तो हमारा हो गया, अब हम दूसरी जगह क्या करेंगे? क्योंकि सैलरी के एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस कहाँ पे जाएगा? कैपिटल में। कैपिटल को क्या कर देगा? ये कम कर देगा। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बनकर आएगी। अब इसमें कैश और स्टॉक में कोई एंट्री नहीं होती तो हम जीरो जीरो लगा देंगे। अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन बन जाएगी। यहाँ पे टोटल करोगे आप, देखो क्या आ जाता है टोटल।
नेक्स्ट इक्वेशन, गुड सोल्ड कैश कॉस्टिंग 5,000 रुपीज 7,000. अब क्या आया, गुड सेल हो गई. जब हम गुड सेल करते हैं तो स्टॉक हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है. जब हमने परचेज करी थी तो स्टॉक में ऐड हो गया, अब जब सेल करी तो गुड्स में से माइनस हो जाएगा. जब सेल करेंगे तो हमेशा कॉस्ट प्राइस वाला अमाउंट आप माइनस करोगे. कौन सा प्राइस माइनस करोगे, कॉस्ट प्राइस वाला. कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है जितने में आपने खरीदी थी उस प्राइस पे आप क्या करोगे, माइनस. कॉस्टिंग क्या है आपकी, 5,000 रुपीज़ की, तो स्टॉक कितना चला जाएगा, 5,000 रुपीज़ का. अब उन्होंने वहाँ पे आपकी इक्वेशन में बुक्स में देखो कि कॉस्टिंग जो है 5,000 की और आपने सेल करा है कैसे, कैश में 7,000 का, तो दैट मीन्स आपके पास कैश आ गया. तो 7,000 कहाँ पे हो जाएगा, प्लस कैश वाले कॉलम में. अब मिनिमम तीन जगह आपकी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इसकी सेल वाले की, दो जगह तो हो गई आपकी. सबसे पहले क्या होता है कि आप स्टॉक माइनस करोगे कि कितने का हुआ, फिर हम देखते हैं कि कैश या फिर उधार. अब इस वाली इक्वेशन में क्या था कि कैश में किया था, हमने देख लिया कि कैश आ गया. थर्ड नंबर पे आपको ये चेक करना होता है कि सेल करने पर हमें या तो प्रॉफिट होता है या फिर लॉस होता है. आपने 5,000 की चीज कितने में सेल करी, 7,000 में, तो ज़्यादा में सेल करी है तो 2,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ. प्रॉफिट लॉस इनकम एक्सपेंसेस कैपिटल वाले कॉलम में एडजस्ट होंगे. अब प्रॉफिट हुआ है तो क्या होगा, आपका कैपिटल वाले कॉलम में ऐड हो जाएगा, क्योंकि 5,000 की चीज़ आपने कितने में सेल करी, 7 में, तो 2,000 का आपको प्रॉफिट हो गया. अब फिर हम इसमें न्यू इक्वेशन बनाएंगे, देखो टोटल कितना आ जाता है हमारा, हो गई. लास्ट इक्वेशन, गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर. गुड्स डिस्ट्रॉयड, देखो कभी कभी क्या होता है कि जिसकी हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती वो चीज़ हो जाती है. गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर, कि हमारे जो गुड्स थे हमारे बिजनेस में वहाँ पर क्या लग गई, आग लग गई. उसको आप क्या बोलते हो, एबनॉर्मल लॉस बोलते हो. क्या बोलते हो, एबनॉर्मल लॉस, कि जिसकी आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, जैसे एक्सीडेंट हो जाना, चोरी हो जाना, आग लग जाना, ये सब हमारे एबनॉर्मल लॉसेज होते हैं. अब क्या हुआ, गुड्स हुआ ना, गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया, सेल नहीं हुई, डिस्ट्रॉय हो गया, तो गुड्स क्या हो गई, कम हो गई. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉक वाले कॉलम में से 500 रुपीस माइनस कर देंगे, क्योंकि क्या हो गया, आग लग गई उसमें, तो हमारी गुड्स क्या हो गई, कम हो गई. अब लॉस हो गया ना ये, अभी लास्ट इक्वेशन में उन्होंने बोला था कि प्रॉफिट हो लॉस हो, इनकम हो एक्सपेंसेस हो, कौन से कॉलम में जाएगा, लास्ट कॉलम कैपिटल में. अब लॉस हो रहा है तो हमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे. 500 रुपीज़ हम कैपिटल वाले कॉलम में से माइनस कर देंगे. क्यों, क्योंकि हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ है. अब लास्ट में जिस जिस कॉलम में कोई डील नहीं हुई उसमें आप जीरो जीरो लगाते जाओगे. अब हमारा टोटल बन जाएगा लास्ट में, देखते हैं लेफ्ट और राइट दोनों साइड का टोटल इक्वल. आपका जो कैश का बैलेंस रहा वो कितना रहा न्यू इक्वेशन में, 1,22,000. आपका स्टॉक 5 का था, 500 चला गया, कितना लेफ्ट हो गया, 4,500 का. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमारा था वो आपका पेमेंट नहीं किया, एज इट इज़ रहा. 1,25,000 की पहले कैपिटल थी, 500 का आपको लॉस हो गया, बैलेंस कितना बच गया, 1,24,500 का. अब आप दोनों साइड्स का टोटल करके चेक करना कि आपका दोनों साइड्स का टोटल जो है वो इक्वल आएगा. अगर इक्वल आ रहा है तो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन एकदम करेक्ट बना. अगर स्टिल कोई भी डाउट रहता है आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हो कि अगर कोई इक्वेशन आपको समझ नहीं आई है. अब हम क्वेश्चन नंबर 10 करने जा रहे हैं, आप अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 10 रीड करो. प्रूव दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज सेटिस्फाइड इन ऑल द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस ऑफ सुरेश, ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट. कमेंस बिजनेस विद कैश 60,000, पेड रेंट इन एडवांस 500, परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000, पेड सैलरी 500 एंड सैलरी आउटस्टैंडिंग बीइंग 100, बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज 5,000.
नंबर वन इक्वेशन है बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 60,000, सेम वही कि आपका जो है बिजनेस जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा उसे क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो हमारे बिजनेस में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा और कैपिटल आ जाएगी। हम क्या करेंगे, एसेट साइड में कैश का एक कॉलम बना देंगे, यहाँ पे 60,000 को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है, और इस साइड हम कैपिटल में 60,000 प्लस कर देंगे। नेक्स्ट इक्वेशन, रेंट पेड इन एडवांस 500। आपने क्या किया, एडवांस में रेंट पे किया, पे किया तो सबसे पहले क्या होगा कि कैश चला जाएगा। जब हम एडवांस में पे करते हैं कोई चीज तो उसको बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, प्री पेड एक्सपेंसेस। और जो हम एडवांस में पे करेंगे वो हमेशा हमारी क्या होती है, एसेट होती है, क्योंकि अगर हम कोई चीज़ एडवांस में पे करते हैं तो उसके बदले में, उसके एक्सचेंज में हमें कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलती है। अब यहाँ पर क्या है, रेंट पेड इन एडवांस 500, तो हम यहाँ पे एसेट साइड में कॉलम बना लेंगे प्री पेड एक्सपेंसेस। अब 500 क्या हुआ, पे किया आपने, तो आपके 500 रुपीस क्या होंगे, कैश में से जाएंगे। दूसरा आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस में ऐड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने एडवांस में पे किया, उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ फैसिलिटी मिलेगी, जिसके बदले में हमें फैसिलिटी मिलती है वो हमारी एसेट होती है। अब लाइबिलिटी प्लस कैपिटल में कोई भी इसकी इक्वेशन नहीं जाएगी, तो हम यहाँ पे जीरो प्लस जीरो कर देंगे। अब हमारा न्यू इक्वेशन में टोटल आ जाएगा 60,000, पहले कैश था, 500 चला गया, कितना रह गया 59,500, प्रीपेड एक्सपेंसेस बच गया 500, लाइबिलिटी अभी हमारी जीरो चल रही है और कैपिटल 60,000। नेक्स्ट इक्वेशन, परचेज गुड्स कैश 30,000 एंड क्रेडिट 20,000। अब हमने गुड्स परचेज करी हैं, कैश में भी खरीदी, क्रेडिट में भी खरीदी, तो हमारे जैसे हमने चाहे कैश में खरीदी हो चाहे क्रेडिट में, टोटल गुड्स तो आ गई ना हमारे बिजनेस में, स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हमारा स्टॉक क्या होता है, एसेट होती है। तो इसलिए एसेट साइड में हम क्या करेंगे, कॉलम बना लेंगे स्टॉक का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल स्टॉक ऐड कर देंगे, कितना आया 30 और 20, मतलब टोटल 50,000 का हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है, स्टॉक आ रहा है। अब 50,000 में से 20,000 तो क्रेडिट में है और 30,000 कैश में है, तो सिंपल 30,000 का कैश क्या कर देंगे, जिससे हमने स्टॉक खरीदा उसको 30,000 दे देंगे, तो 30,000 का क्या होगा, कैश माइनस हो जाएगा, और 20,000 क्रेडिट है तो वो लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा, क्रेडिटर नाम से कॉलम बन जाएगा, क्योंकि क्रेडिटर वो पर्संस होते हैं जिनसे हम गुड्स उधार में खरीदते हैं। तो हम यहाँ पर एक कॉलम बना देते हैं क्रेडिटर्स का, क्रेडिटर्स कितने हो जाएंगे 20,000 के। अब कैपिटल में कुछ भी ऐड या लेस नहीं होगा तो जीरो डाल देंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस में भी इस इक्वेशन में कुछ नहीं हुआ तो जीरो। यहाँ मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाई है, अकाउंट्स में जो माइनस करना होता है तो हम माइनस की जगह ब्रैकेट का साइन भी यूज कर सकते हैं, अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपल माइनस भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब न्यू इक्वेशन में हमारा टोटल क्या आ जाएगा, कैश कितना रह गया 29,500 का, 500 हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, स्टॉक हमारा पड़ा है 50,000 और क्रेडिटर्स हैं 20,000 और कैपिटल है 60,000। नेक्स्ट इक्वेशन, सोल्ड गुड्स, जब हमने थर्ड इक्वेशन में गुड्स परचेज करी थी तो स्टॉक वाले कॉलम में हमने प्लस किया था, अब फोर्थ इक्वेशन में हमने गुड्स सेल करी हैं, तो जब सेल करेंगे तो स्टॉक वाले कॉलम में से उतना कॉस्ट प्राइस उसका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब भी सेल करेंगे तो जो आपकी इक्वेशन में कॉस्टिंग होगी तो उसको आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। इक्वेशन क्या है, गुड सोल्ड फॉर कैश 30,000, कॉस्टिंग 20,000। कॉस्टिंग कितनी है जो हमारे बिजनेस में से जा रही है, 20,000 की। आप या तो ब्रैकेट लगाओगे या माइनस का साइन लगाओगे, एक ही चीज़ लगाओगे, दोनों चीज़ नहीं लगाओगे। 20,000 का क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस, मैं यहाँ लिख रही हूँ आपने लेकिन लिखना नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूँ कि आपको याद रहे कि हमने कॉस्ट प्राइस माइनस किया। 20,000 की गुड्स चली गई, कितने में सेल करी, 30,000 में, कैसे करी, कैश में, तो कैश क्या हो गया, आ गया, तो हम कैश में क्या कर देंगे, जाकर प्लस कर देंगे। दो चीज़ें हो गई सेल में, तीसरी चीज़ क्या होगी, जब हम सेल करेंगे प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। अब 20,000 की चीज़ थी, आपने 30 में सेल की, ज़्यादा में सेल करी तो 10,000 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल वाले कॉलम में 10,000 जाके
प्लस हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं हुआ, जिस जिस कॉलम में कुछ नहीं हुआ उसमें जीरो लगा देते हैं। अब कैश कितना हो गया न्यू इक्वेशन में हमारा 59,500 का। ये जो प्रीपेड एक्सपेंसेस था वो 500 ही है, ये 50 में से 20 चला गया, 30,000 का स्टॉक रह गया। यहाँ पर जो 20,000 का क्रेडिटर्स हैं 60 + 10 हो गया 70,000 आपकी कैपिटल हो रही है। नेक्स्ट पेड सैलरी 500 रुपीज और आउटस्टैंडिंग सैलरी है 100। अब सैलरी क्या एक एक्सपेंसेस है, उसमें दो इक्वेशन है, आपके पे भी करी है और क्या है आउटस्टैंडिंग भी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है कि आपका ड्यू हो गया है किसी को सैलरी पेमेंट करना लेकिन आपने अभी पे नहीं किया है, तो जब पे करना बाकी होता है तो वो क्या हो जाता है हमारा लाइबिलिटी हो जाती है। लाइबिलिटी में हमारा एक अलग से कॉलम बन जाएगा, यहाँ पर क्रेडिटर्स के आगे बना सकते हो आप यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के नाम से। क्या होगा सैलरी पे, पे कितनी करी 500, जब पे करेंगे तो क्या होगा कैश चला जाएगा। 100 रुपीज़ का क्या है आउटस्टैंडिंग है, वो अभी पे करना बाकी है, यहाँ हम प्लस कर देंगे। क्यों? क्योंकि अभी हमने पे नहीं करा, इतनी हमारी लाइबिलिटी है। टोटल अब 600 का क्या है हमारा, 600 रुपीज़ का क्या हो गया, देखो 500 तो आपने पे कर दिए ठीक है, और 100 रुपीज़ क्या है ये आउटस्टैंडिंग सैलरी एक्सपेंसेस है, लेकिन है तो दोनों एक्सपेंसेस ना, तो ये भी 500 भी और ये 100 भी, दोनों कैपिटल में से क्या कर देंगे 600 माइनस कर देंगे। क्यों? जब एक्सपेंसेस होता है इनकम होता है, प्रॉफिट हो लॉस हो कैपिटल कॉलम में जाके एडजस्ट होता है। अब एक इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो एक इक्वेशन कोई भी आप इक्वेशन को चेक कर सकते हो। एसेट साइड में देखो, एसेट साइज में टोटल क्या हुआ माइनस 500, इस साइड जो कैपिटल और लाइबिलिटी का कॉलम है यहाँ प्लस 100 हुआ और यहाँ माइनस 600 हुआ, तो माइनस 600 प्लस 100 क्या हुआ 500 माइनस का ही है, तो नेट इफेक्ट दोनों साइड्स में क्या हुआ माइनस 500 का। तो इसलिए जो हमारा न्यू इक्वेशन का जो टोटल आता है हर न्यू इक्वेशन का दोनों साइड्स का इक्वल आता है, किसी भी इक्वेशन में जाके चेक कर सकते। अब यहाँ पे कैश जो रह जाएगा वो हमारा 59,000, इसमें कोई चेंज नहीं, सेम 500, यहाँ पे 30,000 का रह गया, यहाँ पे 100, यहाँ पे क्रेडिटर्स जो है वो 20,000 क्योंकि अभी तक इसको पेमेंट नहीं करी है, कैपिटल जो हो रही है हमारी 69,400। लास्ट इक्वेशन है बोट मोटरसाइकिल फॉर पर्सनल यूज। देखो मोटरसाइकिल क्या है हमारी एक फिक्स एसेट है, बट यहाँ पर इसके साथ क्या वर्ड लगा दिया पर्सनल यूज। जब पर्सनल यूज लगा देते हैं तो आपको उसका एसेट साइड में अलग से कॉलम नहीं बनाना। क्यों? क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए जब हम कोई चीज़ खरीदते हैं या बिजनेस में से विड्रॉ करते हैं तो वो हमेशा ड्राइंग्स होती है, ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल को डिक्रीज कर देती है, तो कैपिटल वाले कॉलम में से क्या होगा माइनस होगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल का कॉलम हम नहीं बनाएंगे, क्यों? क्योंकि वो ड्राइंग्स में आ जाती है। क्या करेंगे 5,000 क्या करेंगे ड्राइंग्स है, तो 5,000 हम कैपिटल में से माइनस कर देंगे। अब खरीदेंगे मोटरसाइकिल तो क्या देंगे कैश में से जाएगा, क्योंकि कैश पे करोगे, इसका कॉलम हम नहीं बनाएंगे। लास्ट में हमारा टोटल आ जाएगा 54,000 कैश बच गया, इसमें कोई डील नहीं थी, तो ये 500 का हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस बचा हुआ है अभी तक, और यहाँ पे 30,000 का स्टॉक बचा हुआ है, 64,400। ये हमारी जो नीचे के बैलेंसेज आए हैं ये एक हमारी बैलेंस शीट का भी टोटल है, ये बैलेंस शीट को भी सेटिस्फाइड करेगा। अब आपको इसको इसी सेम जो इनके बैलेंसेज आए हैं अब हम इसको छोटी सी एक बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन के अंदर। अब बैलेंस शीट में आपको हर एक जो कॉलम का बैलेंस है उसको लिखेंगे और देखेंगे कि बैलेंस शीट का दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आएगा, अगर इक्वल आ गया तो आपका सारा क्वेश्चन करेक्ट बना है। अब हम इसके जो हमने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाया अब हम बैलेंस शीट बना के इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना है। बैलेंस शीट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारी एंड ऑफ ईयर में 31 मार्च को बनती है, बट हमें यहाँ पर कोई डेट नहीं दी है तो हम ऐसे ही नॉर्मल बनाएंगे। बैलेंस शीट की टू साइड्स होती हैं, जो लेफ्ट साइड हमारी इसकी होती है वो लाइबिलिटीज होती हैं और यहाँ पर हम बनाते हैं एसेट्स, या हम लिखते हैं टोटल एसेट्स। जो एसेट्स कॉलम्स में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन में लिखा वो हमारा इस साइड आ जाएगा, जो लाइबिलिटी प्लस कैपिटल वाला लिखा वो हमारा इस साइड आ जाएगा, यहाँ अमाउंट और ये हमारा लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। यहाँ पे सिर्फ लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल नहीं लिखते हैं बैलेंस शीट में। अब जो हमारा नीचे लास्ट में टोटल आया, टोटल में हम जो भी एसेट्स में कितने कॉलम बने थे, हमारा सबसे पहला कॉलम हमारा बना था कैश का,
तो कैश लिख दोगे, कैश का जो टोटल था वो यहाँ लिख दोगे 54,000। उसके बाद हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस था, प्रीपेड एक्सपेंसेस, वैसे जो प्रीपेड रेंट था आप प्रीपेड एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, बट पूरे क्वेश्चन में अगर एक ही जो एडजस्टमेंट होती है एडवांस वाली या आउटस्टैंडिंग की, तो आप उसका पर्टिकुलर नाम लिख सकते हो। जैसे प्रीपेड रेंट था हमारा, तो प्रीपेड रेंट भी लिख सकते हो आप, वो प्रीपेड एक्सपेंसेस है हमारा 500 रुपीज़। उसके बाद हमारा था स्टॉक, स्टॉक का जो टोटल है वो हमारा कितना है 30,000। अब इस साइड का आप क्या करोगे, टोटल कर लोगे। अब सेम आप इस साइड लाइबिलिटी साइड में जो जो हमें चीज़ें दी हुई हैं लाइबिलिटी साइड लिखोगे, क्रेडिटर्स। अब लाइबिलिटी साइड में हमारा कौन कौन सा कॉलम बना है, सबसे पहले जो है हमारा क्रेडिटर्स, उसके बाद हमारा जो क्या बना था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और लास्ट में कैपिटल। क्रेडिटर्स का जो टोटल था वो कितना आया था 20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने हैं आपके 100, और कैपिटल कितनी है 64,400। अब आप दोनों साइड्स का जो है टोटल अगर आप करोगे तो दोनों साइड्स का टोटल इक्वल आना चाहिए। अब आप चेक करो, देखो दोनों साइड्स का टोटल क्या आ रहा है, 84,500 आया आपका लाइबिलिटी साइड्स का टोटल, और इस साइड भी सेम देखो कितना आ रहा है, तो गलत हो रहा है। अब हम यहाँ का भी जो टोटल करेंगे तो ये भी आप टोटल चेक करो, तो इसका भी कितना आएगा 84,500। आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूछा था कि बैलेंस शीट जो है देखो कि फुल सेटिस्फेक्शन हो रही है अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ, तो देखो आपका दोनों साइड्स का टोटल क्या आया 84,500, और आप अकाउंटिंग इक्वेशन के नीचे भी जाके जो आप टोटल करोगे ना तो वो भी सेम आएगा, तो दैट इज़ फुल सेटिस्फेक्शन हुई आपकी इस अकाउंटिंग इक्वेशन की। हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पर पहुंच गए हैं, आप अपनी अपनी बुक्स में क्वेश्चन नंबर 11 रीड करो। शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस एंड ऑल्सो प्रिपेयर अ बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में भी हमको बैलेंस शीट भी बनानी है। नंबर 1 इक्वेशन में क्या कह रहा है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 60,000, रेंट रिसीव 2,000, नंबर 3 एक्रूड इंटरेस्ट 500, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 1,000, अमाउंट विड्रॉ 5,000। बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश 60,000, तो सबसे पहले एसेट्स में कॉलम बन जाएगा हमारा कैश का, क्यों, क्योंकि आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और बिजनेस में कैश आ रहा है। जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको आप क्या कहते हो, कैपिटल, तो कैपिटल में जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। नंबर 2 रेंट रिसीव्ड, रेंट क्या हुआ, रिसीव हुआ है, रिसीव किस में होगा रेंट आपको, कैश में, तो हमारे बिजनेस में क्या होगा, कैश आकर प्लस हो जाएगा। दूसरा रेंट क्या है हमारे लिए, इनकम है, क्योंकि वो रिसीव हो रहा है, इनकम कौन से कॉलम में एडजस्ट होती है, कैपिटल वाले कॉलम में। तो अब हमारे दो, हर चीज़ का दो जगह इफेक्ट होता है, रेंट रिसीव हुआ कैश में आके क्या कर देंगे हम, प्लस कर दोगे, और 2000 क्या है ये रेंट, इनकम, तो अब कैपिटल वाले कॉलम में भी इसको क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे। फर्स्ट 2 इक्वेशन के बाद हमारा टोटल हो जाएगा, जो कि टोटल देखते हैं कैश कितना हो गया, 60 पहले था 2 फिर आ गया, 62,000 का कैश हो गया और कैपिटल भी 62,000 की हो गई। नंबर 3 इक्वेशन एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट हमारी एक एडजस्टमेंट एंट्री भी है, आपको पहले इसका मीनिंग पता होना चाहिए। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी ट्रांजेक्शन आती है ना, तो सबसे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ उसमें आ रही है और कौन सी चीज़ उसमें जा रही है। एक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है कि आपका इंटरेस्ट जो है वो अर्न कर लिया आपने लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है, मतलब इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। आपको कहीं से कुछ इंटरेस्ट मिलना था, उसकी डेट आ गई, मतलब मिलना है अभी लेकिन मिला नहीं है, आपको मिलना बाकी है, तो वो क्या होगा आपके लिए, इनकम होगी। क्या होगी, इनकम। और दूसरी तरफ जो इनकम है आपको एक्रूड इंटरेस्ट मिलना बाकी है, वो आपकी क्या हो जाती है, एसेट हो जाती है। देखो दो चीजें होती हैं, जब मिलना बाकी है तो एसेट, जब पे करना बाकी है मतलब आउटस्टैंडिंग, दैट मींस लायबिलिटी। अब ये क्या हो जाएगा, यहां पर कॉलम बन जाएगा हमारा एक्रूड इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट कितना है हमारा 500, तो इस कॉलम में जाके हमारा 500, क्योंकि ये अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। दूसरा क्या है, ये हमारे लिए इनकम है, जब मिलेगा तो वो क्या हो जाएगी, हमारी इनकम हो जाएगी। इसलिए अब फिर से हमारी न्यू इक्वेशन, टोटल कैश हमारा सेम 62,000 का, ये हमारा 500 हो गया और ये भी हमारा 62,500 की कैपिटल हो गई। नेक्स्ट कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कमीशन क्या है हमारे लिए, रिसीव हो रही है
तो ये क्या है, इनकम है। लेकिन आपको क्या हो रहा है, कमीशन एडवांस में रिसीव हो रही है। लेकिन जब कोई चीज़ एडवांस में रिसीव होगी तो वो आपके लिए क्या बन जाती है, लाइबिलिटी बन जाती है, ना कि फिर वो इनकम बन रह जाती है। देखो खाली कमीशन रिसीव होता तो इनकम होती, अब एडवांस में रिसीव हो रहा है तो एडवांस में जब रिसीव होता है तो उसके एक्सचेंज में आपको उसके बदले में कुछ ना कुछ सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो आप मिलना देना क्या है, लाइबिलिटी। अब क्या हो जाएगा, लाइबिलिटी में आप कॉलम बना दोगे कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। क्यों, आपने एडवांस में रिसीव कर ली तो उसको फिर वापस कुछ ना कुछ दोगे उसके लिए। 1000 आप यहाँ पे क्या कर दोगे, कॉलम बना दोगे। अब दूसरा क्या हुआ, रिसीव हो गई ना, रिसीव किस में होगी, कैश में। अब हम इसको हम इनकम नहीं कह सकते हैं, अगर एडवांस वर्ड ना होता तो इनकम हो जाता। अब यहाँ पे इनकम नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपको वो लाइबिलिटी बन गई है। दूसरा आपको रिसीव हो रही है तो कैश हमारे बिजनेस में आ जाएगा। टोटल हो जाएगा 63,000, इसमें कोई डील नहीं, सेम 500, 1,000 और 62,500। लास्ट इक्वेशन अमाउंट विड्रो, अमाउंट का मतलब कैश। आपने जब कैश विड्रो करा बिजनेस में से, तो देखो जब कैश लगाया था तो प्लस कर दिया हमने, अब जब कैश निकालेंगे तो कैश कम हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा तो कॉलम में से इसको माइनस कर दोगे। जब भी अमाउंट विड्रो करोगे तो वो कैपिटल में से जाएगा। यहाँ पे आप क्या कर दोगे, 5000 यहाँ पर भी माइनस कर दोगे, लास्ट में टोटल आ जाएगा आपका यहाँ 58,000। 63 में से बैठ जाएगा 58,000, यहाँ पे कुछ डील नहीं हुई तो 500, यहाँ पे भी कुछ डील नहीं तो 1000, यहाँ पे आपका इसमें से माइनस हो जाएगा 57,500। अब ये लास्ट में हमारा टोटल आ गया, अब इसका टोटल और इसका टोटल, दिस इज़ द बैलेंस शीट ऑल्सो। अब आपको इसमें क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी बनाने के लिए बोला था, तो साइड में कैसे बैलेंस शीट बना के पूरा लिखना है आपको, बैलेंस शीट एज ऑन लास्ट डेट पे बनती है। एक साइड आप लाइबिलिटी और एक साइड एसेट। देखो अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट्स इस साइड है और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल इस साइड है, बट बैलेंस शीट में ये अपोजिट हो जाते हैं, एसेट्स इधर आ जाती हैं और लाइबिलिटीज इधर लिखते हैं। यहाँ पे आप अमाउंट लिखोगे। अब जो आपका टोटल नीचे है, जो जो कॉलम है, एसेट्स में आपके दो कॉलम बने तो दोनों कॉलम आप यहाँ पे लिख दोगे, कैश और एक्रूड इंटरेस्ट। इनका बैलेंस लिख दोगे, कैश का टोटल देखो कितना आया 58,000 का, तो यहाँ पर 58,000 लिख दोगे, और एक्रूड इंटरेस्ट का टोटल कितना है 500, यहाँ पर 500 लिख दोगे। अब इसका टोटल करो, इसका टोटल कितना आया 58,500। ऐसे सेम लाइबिलिटी में जो कैपिटल में दो कॉलम बने हुए हैं, एक लाइबिलिटी में क्या, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, तो यहाँ पर लिख देंगे हम कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, कितना है आपका टोटल 1000, तो यहाँ पे 1000। और दूसरा कैपिटल, कैपिटल का टोटल कितना है 57,500। अब इसका भी देखो टोटल करो तो आपका जो आ जाएगा 58,500। देखो चेक करो, दोनों साइड्स आपकी टोटल इक्वल आई बैलेंस शीट, तो इट मीन्स हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन बिल्कुल सही बना है। अब इस वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन कवर अप करे हैं, फिर भी अगर आपको कोई इक्वेशन नहीं समझ आ रही, कि उसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मैसेज कर देना, बताना कि आपको ये समझ नहीं आया तो मैं आपको उसका सॉल्व कर दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।